सो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले 1000 वोल्टेज के हिसाब से कितने एम्पेयर का हमें एमसीबी लगाना चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब है, हमारे घर का जो भी टोटल वोल्टेज निकल के आता है उस वोल्टेज के हिसाब से हमें कितने एम्पेयर का एमसीबी लगाना चाहिए। तो हमें ये एम्पेयर जो होता है वो किस तरह से निकालना होता है, क्योंकि उस हिसाब से हम एमसीबी लगा पाए। ठीक है, तो गाइज आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि घर के वोल्टेज के हिसाब से हमें कितने एम्पीयर का एमसीबी लगाना चाहिए। ठीक है, तो चले गाइस बिना देर का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस हमें देखना क्या है कि घर के वोल्टेज के हिसाब से हमें कितने एम्पीयर का एमसीबी लगाना चाहिए। देखिए गाइस, यहाँ पे अब मेन मेन बात निकल के आती है कि हमें एम्पेयर मालूम होना चाहिए, यानी कि घर का करंट मालूम होना चाहिए। अब वो कैसे निकालना है हमें करंट, तो चले मैं आपको एक फॉर्मूले के जरिए बता देता हूँ। तो गाइस देखिए, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता देना वालों, घबराए मत। ठीक है, तो गाइस आपको सिंपली क्या करना है, आपका घर का जो टोटल वोल्टेज होता है आपके घर के वोल्टेज से डिवाइड करना है, यानी कि भागा कर देना है, तो आपका एम्पेयर निकल आएगा। अब वो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस आपको सिंपली क्या करना है, आपको कैलकुलेटर लेना है, या आपके मोबाइल में भी कैलकुलेटर है। ठीक, तो गाइस मान लो मेरे घर में 1000 वोल्टेज आ रहा है और उस हिसाब से मुझे एमसीबी लगाना है। ठीक है, तो गाइस मैं क्या करूंगा, कैलकुलेटर पे 1000 टाइप करूंगा और डिवाइड करूंगा घर के वोल्टेज से। देखिए गाइस, इस बात को आपको ध्यान रखना है, बहुत सारी जगह पे वोल्टेज कम ज्यादा होता रहता है। मैंने मेरे घर का वोल्टेज चेक किया मल्टीमीटर से, तो मेरे घर का जो वोल्टेज आता है 240 वोल्टेज आता है। तो गाइज आपको देख लेना है कि आपके साइड पे या आपके घर में कितना वोल्टेज आ रहा है, 230 आ रहा है, 220 आ रहा है, 240 आ रहा है। ठीक है, वही वोल्टेज यहाँ पे लेना है। ठीक है, मैंने बताया 240 लेना है, तो 240 नहीं लेना है आपको, देख लेना है आप किस साइड पे काम कर रहे हो, उस साइड का वोल्टेज आपको मल्टीमीटर से चेक कर लेना है कि कितना वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, तो गाइज मेरा घर का जो वोल्टेज आ रहा है 240 वोल्टेज आ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 1000 वोल्टेज को डिवाइड करूंगा, यानी कि भागा करूंगा 240 वोल्ट से, और बराबर कर देता हूँ, तो मेरा आंसर क्या आता है, मेरा जवाब क्या आता है, 4.16 एम्पेयर यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो गाइज यहाँ पे मार्केट में जो 6 एम्पेयर का एमसीबी अवेलेबल है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 6 एम्पेयर का एमसीबी लगा दूंगा। ठीक है, तो गाइज अगर आपका 8 एम्पेयर निकल के आता है, तो 10 एम्पेयर का मार्केट में एमसीबी अवेलेबल है, तो 10 एम्पेयर का एमसीबी लगाना चाहिए आपको। ठीक है, तो गाइज मैं आपको और एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ, आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपका जो भी आंसर आता है, मतलब जो भी एम्पेयर निकल के आता है घर के वोल्टेज के हिसाब से, जो भी एम्पेयर निकल के आता है, ठीक है, अगर मान लो मेरा 8 एम्पेयर निकल के आ रहा है, तो आपको 4-5 एम्पेयर बढ़ा के एमसीबी लगाना है। तो गाइज मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि 4-5 एम्पेयर बढ़ा के एमसीबी आपको लगाना चाहिए, तो गाइज बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा कि बार बार एमसीबी ट्रिप होता है, मतलब कोई भी लोड एक्सटर्नल लोड जोड़ने से बार बार एमसीबी ट्रिप हो जाता है। तो गाइज वही है प्रॉब्लम है कि हम सही मतलब फिक्स एम्पेयर का एमसीबी लगाता है, मतलब जो भी हमारा कैलकुलेशन में जो भी एम्पेयर निकल के आता है उसी हिसाब से हम एमसीबी लगाते हैं, तो यही हमारी गलती होती है, इसी गलती की वजह से बार बार एमसीबी ट्रिप होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 4-5 एम्पेयर बढ़ा के एमसीबी लगाना है। तो गाइज मेरा यहाँ पे 8 एम्पेयर निकल के आ रहा है घर का, तो यहाँ पे मैं 10 एम्पेयर का एमसीबी लगाऊंगा, ताकि मैं मतलब भविष्य में फ्यूचर में जो भी लोड जोड़ूंगा एक्सटर्नल बाहर से, तो मेरा एमसीबी ट्रिप नहीं करेगा, क्योंकि मैंने ज्यादा मतलब 4-5 एम्पेयर बढ़ा के एमसीबी लगाया है। ठीक है, तो गाइज मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की कि घर के वोल्टेज के हिसाब से हमें कितने एम्पीयर का एमसीबी लगाना चाहिए। अगर आपके मन में फिर भी कुछ डाउट है, कुछ सवाल है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। मुझे आपके कमेंट का रिप्लाई देना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट टाइम आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे बताना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलेगा, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।